हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीमा किचन कॉर्नर में। मैं हूं दोस्तों आपकी दोस्त सीमा कुमारी। आज मैं आप सभी के बीच एक नए रेसिपी के साथ आई हूं, जिसमें कि मैं आप सभी को चाउमीन बनाना सिखाऊंगी। तो हम लोग चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसा ही आप सभी के लिए नए वीडियो के साथ आती रहूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। फ्रेंड्स, मैं चाउमीन बनाने के लिए जो जो सामग्री लेके आई हूं वो आपके सामने दिखाने जा रही हूं कि क्या क्या मैं सामग्री यूज करूंगी। तो ये देखिए, मैं एक पत्ता गोभी ली हूँ और यहाँ पर एक गाजर का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये देखिए, ये शिमला मिर्च है, ये हम लोग का एक प्याज ले लेंगे और छोटा सा हम लोग आदि उसमें यूज करेंगे, 5 मिर्च उसमें डालेंगे। और यहाँ पे एक चुकंदर ली हूँ मैं और यहाँ पे इतना लहसुन का यूज करूँगी। तो यही सब सामग्री का यूज करके फ्रेंड्स, हम आज चाउमीन बनाने वाली हूँ। मैं इधर मार्केट से चाउमीन लेके आई हूँ। ये देखिए, मैं चाउमीन का एक पैकेट मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ और यहाँ पर एक सॉस है। बस दोस्तों, इतना ही से हम आपको सामग्री में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाना सिखाऊंगे। तो ये आप वीडियो मेरा देखिए और देख के बताइए कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले चाउमीन जो ले आए हैं मार्केट से ख़रीद के, इसको हम लोग पहले पानी में डाल करके हम लोग बॉयल करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे बॉयल करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी को मैं इसमें गर्म कर रही हूँ। हम लोग कच्चा पानी में नहीं डालेंगे, पहले पानी अच्छे तरीक़े से गर्म हो जाएगा तब हम लोग इस चाउमीन को इसमें हम लोग डालेंगे और डाल करके बॉयल करेंगे। पहले अगर हम लोग डाल दे रहे हैं तो वो अच्छा से वो फ्रेश नहीं रहेगा, वो अपने आप में एक दूसरे के साथ चिपचिपा जैसा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग चाउमीन को डालेंगे उसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। हम लोग 2 से 3 मिनट तक पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं और इसमें अब हम लोग चाउमीन डालेंगे। मैं मीडियम आंच में छोड़ दी हूँ, ये बॉयल हो रहा है, ठीक है। और ये 5 से 7 मिनट तक इसे हम लोग बॉयल करेंगे मीडियम आंच में ही। तो उधर चाउमीन गैस पे मैं रख दी हूँ, उधर बॉयल हो रहा है, तब तक मैं इसे बारीकी से काट के तैयार कर लेती हूँ। प्याज को बारीकी से काट लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारा बारीकी से काट ली हूँ और अब हम लोग चाउमीन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं बारीकी से सारा काट ली हूँ और ये देखिए, मैं कूट करके डालूँगी लहसुन जो लिए हैं, लहसुन और आदि को कूटेंगे और इसको हम लोग फ़ौरन में डालेंगे। मेरा हो गया चाउमीन और इसे अब हम लोग ठंडे पानी से धोएंगे, छलनी में डाल करके ठंडा पानी से धोएंगे। गैस बंद कर दी हूँ मैं और हम लोग अच्छे से कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। ये देखिए, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है अच्छे से। अब इसमें हम लोग मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। फ़ौरन में हम लोग जीरा डालेंगे। ये देखिए, मैं इतना जीरा ली हूँ, इतना जीरा को हम लोग इसमें डालेंगे। और ये देखिए, मैं जो इधर मैं काटी थी छोटा छोटा बारीकी से ये सब सामग्री, तो इसमें से हम लोग एक एक करके डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें से मिर्च डाल रही हूँ। अब इसमें हम लोग प्याज डालने वाले हैं। और इसे हम लोग 30 से 35 सेकंड तक इसे हम लोग चलाएंगे। शिमला मिर्च जो मैं काटी थी उसे भी मैं अब ऐड करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें आधी मिर्च और लहसुन मैं इसमें कूट करके रखी हूँ, इसे हम लोग ऐड करेंगे। गाजर इसमें ऐड करेंगे। अब हम लोग इसमें जो चुकंदर मैं काटी थी उसे हम लोग ऐड करेंगे।
से फ्रेंड्स ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो लास्ट में बचा है मेरा पत्ता गोभी जो काट के मैं रखी थी, इसे हम लोग डाल देंगे। हम लोग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैं जितना सामग्री ली थी वो सारा अच्छे से पक गया है, फ्राई हो गया है। अब इसमें हम लोग बहुत थोड़ा मात्रा में हल्दी ऐड करेंगे। हम लोग हल्दी ऐड कर देंगे। टेस्ट अनुसार हम लोग नमक इसमें ऐड करेंगे। अभी अच्छा से फ्राई हो गया है, अब हम लोग इसमें हम लोग चाउमीन डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। सारा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये रेसिपी बन के तैयार हो गया है। अच्छे से सारा मटेरियल इसमें अच्छे से जितना भी सामग्री मैं डाली थी अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये रेसिपी बना करके आप लोग को दिखा दी और आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें। ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अगर नए रेसिपी के साथ आऊँ या नए वीडियो के साथ आऊँ तो सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँच पाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।